हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज डेट है 18 जनवरी। ये 18 जनवरी की मॉर्निंग है और आप हाल देख सकते हैं बाहर का। बहुत ही भयानक वाली ठंड है। मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है, तो मैं इनको छोड़ करके मैंने कहा चलो बालकनी में देखती हूँ, तो देखिए क्या हाल है। सामने की शॉप, कुछ भी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं नज़र आ रही, इतना भयानक वाला कोहरा है। तो पूरा दिन ऐसे ही रहा है। कल रात को मेरे जो फीवर आ गया था उसकी वजह से फिर मैंने थोड़ा सा नहाने में लेट कर दिया था। तो दोपहर 1:30-2 बजे करीब मैंने नहाया। मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ, पर ठंडक की वजह से मैंने मतलब जल्दी नहीं नहाया। कोहरा भी था, ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। तो सर धुल के नहा लिया। बालों की हालत मैंने आपको दिखाई थी कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अकड़ से रहे थे बाल, तो उनको भी मुझे वॉश करना ही करना था। हालांकि मौसम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। धूप निकली थी पर बहुत ही भीनी भीनी सी धूप निकली थी, कोई तेज़ धूप नहीं निकली थी कोहरे के बाद। बट फिर भी मैंने ड्रायर से सुखा वुखा के मैंने करनी हेयर तो वॉश करने हैं, तो वही मैं नहा करके फुर्सत हो चुकी हूँ। ड्रायर से काफ़ी आराम रहता है, जल्दी से बाल सूख जाते हैं और थोड़ी सी गर्माहट भी रहती है थोड़ी देर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आज मैंने पूरे घर का काम किया, क्लीनिंग की, और साथ ही साथ ये जो बेडशीट है, पिलो कवर है, वो भी चेंज कर दिए हैं। काफ़ी दिन से वो बिछे हुए थे, तो बीमार भी हो गई थी, फिर ऊपर से अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने आज फाइनली चेंज कर दिए बेडशीट। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं एकदम अच्छी हूँ। ना टीवी बंद करो बाबू, इतना मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं भारी हो गई हूँ, मैं झुक नहीं पाऊंगी। जा कर क्या, मैं नहीं कर सकती। हाय गाइस, गाइस पता है क्यों वीडियो में नहीं आते आजकल? मैं बता दूं, हैं आजकल गाइस क्यों वीडियो में नहीं आते आपके? बता दूं, बता, सच्चाई बोल दूं मैं? अभी जो बोल रहे थे भाई बता दूंगी सबको मैं। क्या हो गया? पहले वो बंद कर लो, जैकेट पहन लोगी तो बंद नहीं कर पाओगी, फिर हम पहनाते हैं आपको जैकेट। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं घूमी करने के लिए फिर से। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हैं? हाय गाइस, क्यों नहीं आते वीडियो में? क्यों नहीं आते? टाइम नहीं है जीन्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जीन्स है नन्नू की, इतनी प्यारी सी नन्नू की, इतनी प्यारी सी जीन्स है। अरे वाह, आओ चलो जैकेट पहनाते हैं। तो शाम का टाइम है और बेटू ने आज बोला कि उसको पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो बेटू के पापा ने कहा चलो चलते हैं और मम्मा को भी लेकर के चलते हैं। मैंने कहा ऑर्डर कर लो, तो कह रहे नहीं ऑर्डर नहीं करेंगे, घर पर उतना अच्छा नहीं लगेगा, विंटर्स का सीज़न है ना, आते आते भी ठंडा हो जाता है। इन्होंने कहा चलो बाहर घूम करके आते हैं, थोड़ा सा बाहर टहलना भी हो जाएगा और ऊपर से गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाते हुए भी आते हैं। तो क्या हुआ, माइंड से स्लेपी हो गया कि डोमिनोज है कहाँ। अब इधर उधर हम चक्कर काट रहे कि डोमिनोज कहाँ है, एकदम माइंड से स्लिप हो गया। और डोमिनोज था मेरी बिल्डिंग के जस्ट पीछे, फिर हम लोगों को इतनी हंसी आई कि कहाँ कहाँ डोमिनोज ढूंढाए और था बिल्डिंग के जस्ट पीछे वाली रोड पर। तो बस वहीं पर पहुँच गए हैं। एक बार एक मॉल में और गए, वहाँ पर पिज़्ज़ा हट था, पिज़्ज़ा हट के हमें उतने पसंद नहीं आते हैं पर्सनल अपना बताओ तो इस वजह से हम डोमिनोज आ गए। और यहाँ पर बैठ करके बेटू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है। पिज़्ज़ा हम लोगों ने लास्ट टाइम हाशा न्यू ईयर वाले दिन ही खाया था, 1 तारीख को खाया था और बहुत दिन से खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो खाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही घूम फिर लो, मस्ती कर लो तो माइंड अच्छा हो जाता है। वैसे भी बुखार बुखार में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका था घर में, और तबीयत ख़राब रहती तो नहीं अजीब सा मन होता है वैसा ही हो जाता है। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर ये बात मस्ती कर रहे थे दाढ़ी को लेकर के अपनी, तो मैंने कहा कटा दो इसको, मुझे अच्छी नहीं लगती ना इतनी ज़्यादा दाढ़ी, तो ये हर बार बोलते नहीं कटाऊंगा नहीं कटाऊंगा, तो वही सारी हम लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ पर आ गया है हम लोगों का पिज़्ज़ा और मेरा फेवरेट है मैगरीटा विद चीज़, बस्ट एक्स्ट्रा चीज़ एंड पेपी पनीर, तो वही दो ऑलमोस्ट मैं मंगाती हूँ। बट ये वाला शायद चीज़ बस्ट का नहीं है, ये मैगरीटा है विद एक्स्ट्रा चीज़, सो वो है और पेपी पनीर है। और मैगरीटा वाला बेटू का भी बहुत फेवरेट है क्योंकि उसके ऊपर से उसे कुछ हटाना नहीं पड़ता है, बाद बाकी नॉर्मल वो बहुत हटा हटा के खाती है सारी चीज़ें, वो प्लेन रहता है तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद बगल में ही एक स्टोर था, तो वहाँ से हम लोग घर के लिए कुछ स्नैक्स ले रहे थे। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, फिनिश हो रहे थे सारा कुछ, तो जैसे जूस वगैरह हो गया, मकीम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयरली हम लोग खाते हैं बट ले करके रखे रहते हैं घर में कभी कभार के लिए, ये नहीं कि रेगुलर खाना है, पर रहती है घर में तो ठीक रहती है।
तो वो सारा कुछ ले लिया। और इस बार मैंने चीज़ पोटैटो और लिए हैं मकेन के, उसमें कुछ लिखा हुआ था पोटैटो शॉर्ट्स करके, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली हैं करके बस घर आ गए थे। और उसके बाद ठंडक बहुत हो गई थी, बिग बॉस देख करके सो गए थे। और नेक्स्ट डे यानी कि संडे, संडे की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा हैक्टिक थी, तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट रेडी हुई हूँ सारे घर के काम करके। और ये देखिए अभी भी सामान ही मैं उठा रही हूँ, घर को एक साई मैं करती रहती हूँ दिन भर। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ बाहर। लेकिन ये कितने पैसे लग रहे यार, अच्छे खासे भाई दाढ़ी थी बता यार। चिकनी चमेली, हम तो भूल ही गए थे, हमें तो जाना है बाइक से, इसीलिए हमने पहन ली जैकेट, क्योंकि हमें जाना है बाइक से। हम बड़ा स्टाइल में चल रहे थे जैकेट लटका के, भूल ही गए। एक्चुअली गाड़ी पंचर पड़ी है ना हम लोगों की, आज उसे सही भी करवाना है और शाम को कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है वो एक सरप्राइज है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। आराम से सुना, उधर चोट ना लग जाए। हवा लगी बहुत तेज वाली लगी, दिल के कर ली रात खराब, बाल उड़ेंगे और लिप ग्लॉस में चिपक जाएंगे जो मैंने लगा के रखा हुआ। ऐसा हो जाएगा क्या गाइस? इधर देखो, चिकनी अपनी बेटू भी देख रही है। चलो जी चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं, पता चले कोई मेरा कैमरा ही छीन ले। अगर आपने सावेरी मार्केट डालना है। हाँ, ऐसे व्लॉगिंग कब की थी लास्ट टाइम? गोवा में की थी ना। हाँ, स्कूटी पे बैठ के की थी। बहुत दिनों से बाइक से मतलब जाते हैं पर व्लॉगिंग नहीं की बाइक से। धूप बढ़िया वाली पर हवा एकदम बर्फीली वाली चल रही है, आगे देखो कितनी मजेदार धूप आई। हाँ सही, आ जाए आ जाए, बहुत ठंडक लग रही है। ये नर्सरी यहाँ पर भी है जो लेना ले लेना, ध्यान रखना लौटते वक्त। हाँ, हम लोगों को पॉट लेना है। तुमने यार बिल्कुल चिकना करा दिया। मैं तुमने तो कहा था तुम कटवाओगे नहीं, हर बार तुम ये बोलते हो तो फिर मान क्यों लेते हो मेरी बात। और मैं ना लास्ट वाले वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी कि मैं जब बीमार हो गई थी तो आप लोग कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे, मुझे आपने कितनी सारी विशेस दी, दुआएं दी, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और साथ ही साथ इमोशनल भी हो गई थी। मैं सोचती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने हजारों लोगों का प्यार साथ और दुआएं हैं। तो अपना प्यार साथ दुआ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है तो बस सब कुछ सही रहेगा। हैं मार्केट, ये शावेरी मार्केट है जिस रोड पे गौर सिटी बना हुआ है ना, उसी रोड पर है। जस्ट हल्का सा लेफ्ट लेते ही ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ एक दो बार, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ। पर देखिए बेटू अपना पकड़ के बैठ गई है कि स्टडी टेबल और चेयर, जिद कर रही थी यही लेना यही लेना है। तो मैंने कहा हाँ चलो उसको फिर बहलाए फुसलाए कि ले लेंगे ले लेंगे। उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर आकर के सच में मन इतना ललचा जाता है ना, ये भी ले लो वो भी ले लो, इतने बढ़िया बढ़िया सोफ़ा कम बेड, सारी चीज़ें, सारा फर्नीचर है, ऐसा ए टू जेड कोई भी चीज़ हो नहीं जो यहाँ पर ना मिले, दीवान कम बेड सब कुछ यहाँ पर रहता है। बहुत ही अच्छा मार्केट मुझे ये लगता है पर्सनली। जो भी फर्नीचर की बात आती है तो यहीं पर आती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मैंने ये चीज़ नोटिस की है जब मैं सोफ़ा लेने आई थी लास्ट ईयर, उससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अच्छी अच्छी वैरायटी के आकर के रखी हुई थी। और बेड तो इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मन में तो लालच आ गया था बेड ले लूँ देख करके। बहुत प्यारे सुंदर बेड थे, कितने बेड लेती, सारे ही बेड बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और इधर देखिए यहाँ पर एक ये झूला पड़ा था तो बेटू बैठने की जिद करने लगी। यहाँ पर इस तरीके के झूले चेयर सब कुछ मिलती है, तो मैंने कहा चलो इसको बैठा देती। इसे झूले का बड़ा शौक है, पर झूला अभी हम नहीं लेंगे, अभी कभी देखा जाएगा बाद में, फिलहाल तो नहीं लेंगे। तो बस डेढ़ दो घंटे लग गए थे मार्केट में यही सब करते करते, ढूंढते ढूंढते, क्योंकि चीज़ सामान ढूंढने में भी टाइम लगता है ना। बस उसके बाद हम लोग लौट करके आ गए थे, और
और रास्ते में ही पड़ी थी एक नर्सरी, ये मेरे घर के बहुत पास थी। एक है वो दूर है, 37 जाते हैं जब नोएडा तब पड़ती है, तो वो बहुत दूर है। हम तो उसी का सोच रहे थे, बट ये अचानक से दिखी, हमने कहा ये तो बगल में ही है, तो यहीं से मुझे जो भी अपना प्लांट वगैरह या प्लांट के पॉट वगैरह लेने थे वो भी ले लिए हैं लगे हाथों। क्योंकि जब चीज़ें सोच के जाओ, कभी कभी प्लान करके जाओ तो नहीं हो पाता है। और जहाँ से मैंने लिए थे ना, मैंने बताया था जो प्लांट लिए थे वहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं, पर ये बहुत बड़ी और बहुत ही बढ़िया नर्सरी थी। यहाँ पर सारे तरीके की वैरायटी के प्लांट्स थे, पॉट थे, बहुत अच्छी बहुत बड़ी नर्सरी थी। तो यहाँ पर जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो मैंने फटाक से ले लिया और बस ले करके मैं घर वापस चली गई थी। बेटू गई हैं, बालों की हालत देखे क्या हो गया, बगल वाले घर में। तो जब ये लोग शिफ्ट हुए थे ना, तो इनकी बेटी आई थी यहाँ पर खेलने के लिए, एक बार ही आई थी एक दिन खेलने के लिए। तो आज वो इतने दिनों में गई हैं कि मम्मा मैं घर देख के आती हूँ दीदी का। मैंने कहा ठीक है, दीदी का घर देखाओ। और मैं थोड़ी सी वैसलीन लगा लूँ, मेरे होंठ क्रैक से हो रहे हैं, बाइक में बहुत हवा लगी ना, तो इस वजह से होंठ जो है, हवा लगती है ना तो एकदम फटने से लगते हैं होंठ। धूप बढ़िया वाली निकली आज, और मेरी नानी क्या बिल्कुल धूप नहीं निकली, भयानक वाली ठंड हो रही है। मैं एक गजक खा लूँ, मन कर रहा है। मुझे गुड़ की गजक ही सिर्फ अच्छी लगती है, ये वाली, और मैं कोई गजक नहीं खाती हूँ। मूंगफली वाले से तो मुझे एकदम वॉमिट सी आती, मैं कभी नहीं खा पाती। अब थोड़ी देर बैठो, सर चकरा गया, हालत इतनी ख़राब हो गई कुछ कहने की नहीं। आ गई हूँ, अभी आएंगे, गाड़ी पंचर सही करवा करके लाएंगे, फिर और हमें एक जगह जाना है। वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो इस वजह से गाड़ी सही कराना जरूरी हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा वेस्ट करते। बस आए तुरंत और निकल लियो, बेटू बगल में खेल रही है। फिलहाल मैं हूँ पूरे घर में अकेली, और पूरे घर मॉर्निंग में इतना भूचाल आ रहा था मेरे घर में कि आप पूछो मत, इतना मतलब भूचाल आ रहा था। वो वाला रूम तो लिटरली ऐसा हो गया था कि जैसे मतलब इस पर क्या तूफान सा आया हुआ है। पूरा घर मैंने जल्दी जल्दी समेटा, ये जल्दी जल्दी मचाए थे कि जल्दी चलो मार्केट चल के आते हैं, फिर उसके बाद पंचर सही करवाना है, फिर उसके बाद चलना भी है शाम के टाइम। तो इन सारे हौच पौच के चक्कर में बहुत ही हालत ख़राब हो गई। मॉर्निंग से इतना बिजी हूँ कि एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिल पाया। और अभी हम लोग वहीं से कुछ खा पी करके ही आ रहे, क्योंकि अभी खाने बनाने का तो सवाल नहीं उठता, और शाम को फिर से जाना है, तो इस वजह से खाना बनाना नहीं था, तो थोड़ा बहुत खा करके वहीं से आ गए। तो बस अब जाएंगे वहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ मैं क्या लेने गई थी, मैं शावेरी मार्केट गई थी, तो आप लोगों को पता ही चल चुका है, मैं गई थी बेटू की अलमीरा लेने के लिए, और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरत की चीज़, एक घर का और मतलब बड़ा सामान, दो बड़े सामान आप समझ लो, एक बेटू की अलमारी और एक और मुझे चीज़ लेनी थी। तो वो अलमीरा तो पसंद आ गई थी, पर दिक्कत ये थी शावेरी से यहाँ तक आने का भी जो मतलब रिक्शा होता या जो भी टेम्पो वगैरह होता डाला होता, तो वो होता आज और फिर नेक्स्ट संडे को, और जो दूसरी चीज़ है वो ऑर्डर दे करके बनवाइए, वो बनी बनाई नहीं थी, तो वो नेक्स्ट संडे को बन करके रेडी होती, खट्टे ही संडे को उसके साथ सारा सामान आ जाएगा। तो एक हफ्ता मैंने कहा मैं कैसे, इतना सामान पड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो रही थी कि कपड़े कैसे रखे जाएंगे क्या है। कह रहे यार इतने दिन थोड़ा सा बर्दाश्त किया, थोड़े दिन और कर लूँ अगले संडे को। ओवरऑल कहने का मतलब ये है वो जो मैंने सामान लिया है वो भी आ जाएगा बड़ा सा, और जो बेटों की अलमीरा है वो भी आ जाएगी। तो सर एकदम घूम सा रहा है बाइक पे, एक तो ठंडी हवा लगी सर में, तो सर और दर्द सा करने लगा। तो दो बड़े सामान मैंने घर के लिए, इस घर के लिए लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी जो मैंने बनवाई है। और शावेरी मार्केट ऐसा मतलब, ये सोफ़ा भी वहीं का है, डाइनिंग टेबल भी वहीं की है, तो मतलब हाँ बोलेंगे क्वालिटी अच्छी है, बुरी नहीं है क्वालिटी। मैं एक साल हो गया इन सारे सामानों को यूज़ करते करते, कोई भी ऐसी कुछ खास दिक्कत आई नहीं है। टेबल है ये वाली, ये भी वहीं की है, तो ये छोटी सी टेबल है, वो सारे वो अमेजोन से ली थी, वो तो मैंने आपको बताया था। तो मैं हमेशा वहीं जाना प्रेफर करती हूँ, बस गौर सिटी के आगे से आप लेफ्ट लेंगे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं, गौर सिटी मॉल जो बना हुआ है वहाँ से, तो जिनको नहीं पता मैंने कहा बता दूँ।
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। घर में कुछ नया सामान, नई चीज़ लाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना, मैं बहुत सारे नए नए सामान लिए थे, मुझे तब बहुत अच्छा लगा था। एकदम घर में रौनक सी आती नए सामानों के साथ। और प्लांट लेकर के आई हूँ, वो मैंने बाहर लगा दिया है, तो वो बाहर लग चुका है। अभी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कहाँ लगाया है। इस प्लांट को मैंने ये रख दिया है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी प्लांट लेने का बाहर के लिए। आप लोग भी बोलते हो प्लांट लगाओ प्लांट लगाओ, मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। और दो पॉट लिए हैं, वो अभी डाइनिंग पे रखे हैं, क्योंकि उनमें बहुत मेहनत का काम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे मनी प्लांट भी शिफ्ट करना है और जो मैं स्नेक प्लांट लाई थी वो भी लगाना है, तो दो पॉट यहीं पर रख दिया है। स्नेक प्लांट भी मैंने, मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसने बोला कि जिस पॉट में नीचे से पानी पास होने के लिए होल नहीं है तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, तो आप उसको शिफ्ट कर लो। तो इस वजह से मैं लेकर के आ गई हूँ दो पॉट। अब वो काम मैं तसल्ली से बाद में करूँगी, और कल तक मम्मी भी आ जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मुझे आगे की भी प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट ब्लॉग आपको बहुत ही प्यारा सा देखने को मिलेगा, तो जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए वाला ब्लॉग कल से चल रहा है, ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। संडे पूरा हैक्टिक गया, नेक्स्ट संडे भी ऐसी हैक्टिक जाने वाला है। नेक्स्ट संडे को और मुझे एक और एक्स्ट्रा चीज लेनी है, वो आपको पता चलेगी धीरे धीरे। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बेटू भी आ गई। आ गई, अच्छा पहले शांत नहीं किया। आ जा आ जा।